है, दो कमरा है, तीन कमरा है, चार कमरा है और वो पांच कमरा है। ये बीच पे घूमने के लिए सही, दोस्त से मिलने के लिए आया था। और यहाँ पे ये देखो ले पवन खा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 3 तारीख और मैं अभी सुबह सुबह उठ चुका हूँ। तो दोस्तों मैं उठा हूँ आज 5:30 बजे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या 6 बजे से ही बहुत तेज़ धूप हो जाता है और आप देख सकते हैं भाई बहुत तेज़ धूप है एकदम। उधर का अभी गर्मी तेज़ है। तो दोस्तों पापा ने घर पे खाना बना दिया है और मम्मी क्या है अभी शहर में है। तो दोस्तों मम्मी को भी आना है 2 महीने बाद। तो दोस्तों मैं क्या है मंजन वंजन कर लिया हूँ और मुँह धो के और अभी भी आया था मैं छत पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे छत पे ये देखो 2 पौधा लगाया हुआ था। ये बिना पानी वाला है, इसके अंदर पानी भी नहीं जाता, फिर भी ये देखो एकदम हरा है, सूखा नहीं है। और ये देखो पिछले साल का चूल्हा है जो कि हम लोग बनाए थे धान से चावल बनाने के लिए। तो पिछले साल बनाए थे और फिर उस चावल को कुटवा भी दिए और घर पे रख रखे हैं। अब देख सकते हैं सुबह सुबह, देखो दिखाता हूँ मैं, मेरे बड़े चाचा का लड़का है जो कि छोटा है, वो देखो अभी काम कर रहा है सुबह 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 अपने मकान पे पानी पटा रहा है। ओए देखो, देख लिया, पानी पटा रहा है। अभी 10-15 मिनट में फ्री हो जाएगा ये लगभग। अब ये क्या है 2-3 दिन बाद छत डलने वाला है, तो यही है इसमें छत डलेगा। और आप ये नीचे देख रहे हैं वो है बीम बोला जाता है, उसी से छत डलेगा और पट्टी के से बनने वाला है मकान। तो भाई मेरे देखो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं इधर हमारे गली में, ये देखो जीव निकाल रहा है, खेल रहा है बच्चा। और 2 बच्चे हैं जो अभी उधर चल गए खेलते खेलते। तो भाई मेरे, मैं अभी कुछ नए मकान में आया हूँ जो कि अभी तैयार ही हो रहा है, देख सकते हैं ऊपर अभी कुछ नहीं है, अभी ढलाई होगा अभी 1-2 दिन में। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि फुचुल किस तरीके से। हाँ तो भाई ये है पीछे का कमरा और ये खिड़की छोड़ा गया है। और ये देखो ये बीम बना के रखा गया है, इसको ऊपर चढ़ाया जाएगा। और वो देखो ऊपर देखो तराई कर रहा है मस्त एकदम धूप में, और 7 बजने वाला है अभी। तो दोस्तों इस मकान में कितने कमरे हैं और कहाँ पे क्या है वो अभी बताएगा फुचुन्नी, तो नीचे उतर के तो यूँ ही बने रहे मेरे ब्लॉग वीडियो में। हाँ तो भाई मैं अभी आया था इंदल के घर पे, अभी ये पानी पटा रहा था इधर उधर देखो। हेलो, इधर देखो, इधर देखो, देखो अभी छत पे आया था, पता नहीं किसी काम से अभी भी सो के उठा है, एकदम लेट है थोड़ा। हाँ तो भाई मेरे देख सकते हैं जो कारीगर है मिस्त्री है वो देखो उधर आ गए हैं काम करने के लिए। और ये देखो इधर पानी वानी पटा रहा है अभी, उनका टाइम हो चुका है, बिहार में थोड़ा सा जल्दी आते हैं क्योंकि फिर दोपहर में 2 घंटे का लंच मिलता है उनको, इस वजह से अब छत डलना खाली बच गया इधर। तो भाई मेरे ये एक कमरा है, ये ऐसे ही थोड़ा सा सामान रखने के लिए बनाया गया है। 2 कमरा है, 3 कमरा है, 4 कमरा है और वो 5 कमरा है। ये बीच में आंगन है और यही देखो आंगन के यहाँ से सीढ़ी निकला हुआ है, अभी यहाँ तक पहुँचा है, थोड़ा सा और बचा है। 3 तरीके से यानी कि 3 बाट में सीढ़ी ऊपर चला जाए। हाँ तो भाई मेरे देख सकते हैं आप, सुबह सुबह पवन आया मेरे से मिलने के लिए। ये भी 4-5 दिन में यानी कि जयपुर ही चला जाएगा, तो भाई यहाँ पे कोई नहीं बचेगा। ये देखो बहुत दूर से मिलने के लिए आया था मेरे से और ये अभी फील्ड पे हैं हम लोग। ओए काल चल है, सुबह सुबह उठ के आए हो कि मुंह धो लिए, खाना वाना खाए हैं? ठीक बा, मंजन वंजन करके खाना खा लिए? सब। तो आप देख सकते हैं भाई इधर तार चढ़ा जा रहा है। तो भाई अभी सुबह के 8:30 बज चुका है और देख सकते हैं आप ये नहर है हमारे इधर का, इधर क्या अभी पानी वानी नहीं आता है, अभी 1 महीने बाद अभी बारिश में पूरा एकदम भर जाएगा, ये पूरा पूरा भर जाएगा। और ये है हमारे गोवर्धन जी, जी श्री कृष्ण जी वहाँ पे है, उनकी मूर्ति वहाँ पे और शादी में। तो भाई मेरे यहाँ पे जो हमारे फील्ड है, जो इस फील्ड में क्या है बड़ा बड़ा मैच होता है यानी कि एक गाँव से दूसरे गाँव का और जिला से भी मैच होता है। तो ये मैच स्टार्ट होता है 1 दिसंबर से और फिर पूरा एकदम फाइनल तक खेला जाता है, सर्दियों के टाइम में मैच स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं यही फील्ड है भाई, इसका साइज़ बहुत बड़ा है फील्ड का। और उस साइड पे तो अभी थोड़ा बहुत उधर कोने में जिम बना है।
तो भाई मेरे आप देख सकते हैं यही है कचरे का गाड़ी जो कि अभी चला रहे हैं ऐसे ही बिना मतलब में। ये पूरे गांव में घूम घूम के कचरे उठाते हैं, उसके बाद फिर वो जो आप देख रहे हैं उधर ही कचरा रखा जाता है उन मकानों में। तो भाई मेरे आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह सुबह फेदा काटा गया है, देखो बच्चे कैसे लूट रहे हैं खाने के लिए। तो देखो वो ऊपर चढ़े हुए हैं एकदम, अब वो भी नीचे उतर रहे हैं। देखो बच्चा पूरा लूट लिया सबने, सब खाएंगे अब काट काट के एकदम सुबह सुबह। पवन भी गया देखो वो भी खाएगा। तो भाई मेरे मैं अभी गोवर्धन जी के सामने खड़ा हूँ और ये हमारे गांव के गोवर्धन जी हैं। आप देख सकते हैं ये गोवर्धन जी है, ऊपर है श्री कृष्ण जी जिनकी मूर्ति लगी हुई है और भाई पूजा होता है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये बच्चे अभी लड़ रहे थे थोड़ी देर पहले इसके लिए, इसको तो आप पहचानते होंगे, इसका नाम है फेदा और इसके लिए लड़ाई कर रहे थे अभी। वो देखो घर से लाया है कुछ, उसमें लेके जाएगा, इसको उड़िया बोला जाता है हमारे देसी भाषा में। तो भाई मेरे पवन ने खा के चेक कर लिया है, कैसा लगा भाई खा के? बहुत मीठा। तो ये फल कहीं और मिलता है? नहीं, ये फल सिर्फ बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में मिलेगा और भी तमिलनाडु में, शायद चेन्नई में, तमिलनाडु में भी मिलता है। तमिलनाडु में ज़्यादा नारियल का फल रहता है और ये भी नारियल के फल के जैसा ही है ना। हाँ, थोड़ा सा अलग सा वो रहता है, मीठा मीठा सा स्वाद, मस्त है भाई। कभी आओ इधर बिहार में तो हमारा ये फल है जो खा के एक बार ट्राई मारो। देख सकते हैं आप, हम लोग लेके आए हैं, ये छोटा गवद है, ऐसा होता है, इसके अंदर होता है ऐसा, इसको काट के और खाया जाता है। मेरे ये देख सकते हैं ये बर का पेड़ और नीचे नीचे गुमटी बना हुआ है, शाम को खुलता है, इसके अंदर छोटे मोटे सामान मिलते हैं जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब। और ये देखो कैसे लटका हुआ है, इसके अंदर से बर का पेड़ है, ये लटके हुआ है, ये बरछा बोला जाता है इसको। और ये है पीपल का पेड़, उधर देख सकते हैं आप, सब ताड़ी पीने के लिए पहले से भीड़ लगा लिया है, उधर ही अभी ताड़ी वाड़ी पियेंगे वो लोग। हाँ तो भाई मेरे हम लोग आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, ऐसे ही दोस्त से मिलने के लिए आया था। और यहाँ पे ये देखो चौधरी जी ने जो वो काट दिया था, तो मैं खाजा काट रहा हूँ और ये खिलाऊंगा पवन को, जो कि उस दिन हमारे साथ गया नहीं था ना हमारे साथ, इसलिए पवन को खिला देता हूँ। पवन देखो ये लाया है घर से काटने के लिए, तो भाई एक नंबर हो जा रहे हैं काटने के लिए एकदम। बाकी इधर बच्चे ही बैठे हुए हैं, कहो ना बहू। तो भाई मेरे देख सकते हैं आप, तीन आँख है इसके अंदर, अब ये पवन खाएगा, ले पवन खा। देखो पवन खा रहा है, खाया जाता है, इसमें पानी है ना, देखो खा खा खा, बाकी मीठा है, मीठा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत मजा आया है, चलो बंद करो। हाँ तो भाई मेरे मैं भी ट्राई मार लेता हूँ सुबह सुबह, क्योंकि यार अभी भूखे पेट ही आए इधर, मंजन मंजन करके पवन से मिलने आया था, तो बाकी खा लेते हैं इसको। देख सकते दिखाइए ऐसे भाई, ये आँख तो खत्म कर दिया मैं एक ही बार में, मीठा लगता है, खत्म कर दूँ बाकी ये हाथ से। हम खाना खिले बुआ हैं, देख रहे हैं जी, दादागिरी कर रहा है, लाइक वन ये दादागिरी कर रहा है एक मार देते हैं। हां हमर का लगे जी, दा देख फायदा तनी खा के बताई, तने आई तो तनी खा के बताई, तो कैसा लगे थे, कैसा लग रहा है? मीठा मीठा, तने में दिखा ना तनी, देखो कैमरा में देखो, ये ना देख के बताओ कैसा लग रहा है। हाँ तो भाई मेरे थोड़ा सा बच्चों को भी खिला देते हैं, मैंने भी खा लिया है और पवन भाई ने भी खा लिया है, ले भाई ले खा, खा के बताए कैसा लगे, कैसा लग रहा है? मीठा, अच्छा एक नंबर बोलिए, ऐसे ऐसे करते हैं, एक नंबर लग रहा है, एक नंबर लग रहा है। उससे मिल के उधर मिल लिया पवन से, और पवन अब अपने घर चला गया है, तो मैं घर पे आ गया था अपने, और घर पे अभी अभी खाना खाया हूँ मैं, और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं अभी। तो दोस्तों खाना खाने के बाद ये देखो पापा मेरे लिए आम रख के गए थे, एकदम पेड़ का पका हुआ आम है, तो आम भी खा लेते हैं। तो भाई पका हुआ आम खा के बहुत ही मज़ा आ रहा है, एकदम पेड़ का पका हुआ आम है, अब देख सकते हैं एकदम भाई पीला पीला आम है, और इसको अलग तरीके से खाते हैं गांव में, देखो हाँ बहुत मीठा आम है भाई।
तो अब मैं खा पी के अब जाऊँगा, थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। उसके बाद पवन आएगा तो फिर पवन के साथ थोड़ा सा मार्केट भी घूम लेंगे, क्योंकि पवन को 4-5 दिन बाद जाना है जयपुर वापस, तो अब थोड़ा दिन और बचा है, उसके साथ घूम लेता हूँ। दोस्तों मैं सुबह से अभी घर पर ही सोया हुआ था खाना खा पी के, और पवन तो अपने घर चला गया था, तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं। मैं सो के बाहर आ गया हूँ और दोपहर का भी खाना मैंने खा लिया था। तो दोस्तों अभी मैं और पवन और पवन का एक और भाई है, जो कि हम तीनों मिलके और जा रहे हैं हम लोग हंसपुरा, जो कि देख सकते हैं आप भाई मार्केट एकदम पास में ही है हमारे घर से लूटने। तो दोस्तों अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, देखा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं खेत में। हाँ तो दोस्तों हमारे यहाँ के जो माता जी वो यहीं पर हैं, देख सकते हैं आप, और यहाँ पे ये अड़हुल का पौधा भी है, फूल भी खूब उगता है यहाँ पे, ये देखो ये भी हमारे यहाँ के भगवान जी हैं। हाँ तो भाई मैं एकदम घर पे आ गया हूँ और हम लोग आज बहुत ही मस्ती किए थे दिन भर। तो दोस्तों यूँ ही मेरे डेली लाइफ ब्लॉग देखने के लिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।